पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर अब्दुल राशिद उर्फ गुड्डू अज्ञात हमलावरों की गोलीबारी में मारा गया। ये घटना सोमवार रात को मलेरकोटला में हुई। पंजाब पुलिस के मुताबिक अब्दुल रशीद अपने भाई की शादी में हिस्सा लेने के लिए पैरोल पर जेल से छूट कर आया हुआ था। दोष सिद्ध अपराधी अब्दुल रशीद पर 15 मुकदमे चल रहे थे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अब्दुल रशीद मैरिज हॉल के अंदर नाच रहा था, तभी करीब रात 8:30 बजे उसके मोबाइल पर फोन आया और उसे बाहर आने के लिए कहा गया। अब्दुल रशीद जैसे ही हॉल से बाहर निकला, अज्ञात हमलावरों ने उस पर गोलियों की बरसात कर दी। अब्दुल रशीद की मौके पर ही मौत हो गई। वहां खड़ा एक व्यक्ति भी गोलीबारी में घायल हो गया। इस बीच हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। अब्दुल रशीद को 5 गोलियां लगी। पुलिस ने घटना को गैंगवार का नतीजा बताया है। हालांकि किसी भी गैंग ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। न्यूज़ डेस्क।